हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद रईस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, ये नोटिस आया है जो कैंडिडेट्स, जो अप्लीकेंट्स इस बार अप्लाई किया है उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो फिज़िकल एजुकेशन में है, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से है, बैचलर ऑफ़ फिज़िकल एजुकेशन एंड मास्टर ऑफ़ फिज़िकल एजुकेशन, जिनका एंट्रेंस टेस्ट होना है 2021-2022 के लिए। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस में क्या बताया गया है, आइए मैं आपको रीड करके बताता हूँ। इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द एप्लीकेंट्स ऑफ बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट 2021-2022 दैट द एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट इज़ कंडीशनल। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी अलॉन्ग विद फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, जो आपका जो टेस्ट होने वाला है बीपीएड और एमपीएड का एंट्रेंस जो होने वाला है, तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप एलिजिबल हुए हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक लिस्ट है ना अपलोड कर दी गई है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए और कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनको क्या करना है कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो आपको लेकर आना है। तो फ्रेंड्स, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा जा रहा है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्ट टू ब्रिंग हाईएस्ट अचीवमेंट, जो आप जो भी आपका हाईएस्ट अचीवमेंट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में वो आपको लेकर आना है, और उसके साथ साथ उसका दो फोटोकॉपी भी लेकर आना है, क्योंकि जो आपका जो फोटोकॉपी होगा वो आपका सबमिट हो जाएगा इंट्रेंस टेस्ट के समय, ये मतलब जब आपका इंट्रेंस हो जाएगा, जो आपका रिटेन हो जाएगा, जो आपका 40 मार्क्स का रिटेन होने वाला, उसके बाद क्या है आपके है ना आपके सर्टिफिकेट के भी मार्क्स हैं जो कि टेस्ट के बाद आपका चेक किया जाएगा और आपका फोटो को भी सबमिट कर लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये नोटिस इंपॉर्टेंट है बीपीएड एंड एमपीएड कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार एलिजिबल हैं टेस्ट में। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स एक और चीज़ है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न होगा कि किस ईयर तक का है ना सर्टिफिकेट एलिजिबल, मतलब क्या है ना कंसीडर किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। तो ये है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन, मतलब जो डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया है। वाइस चांसलर ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द एकेडमिक काउंसलिंग हैज़ अप्रूव द फ्लोइंग मॉडिफिकेशन इन द गाइड टू एडमिशन 2021-2022 अंडर द हेडिंग टेस्ट डिटेल्स फॉर एडमिशन टू बीपीएड एमपीएड कोर्स 2021-2022। फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि जो भी आपका हाईएस्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट है, मतलब जो सेशन 2017-18 या 2018-19 या 2019-20, वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए, जो भी आप एडमिशन जिसमें भी आप एडमिशन लेना ले रहे हैं, या बीपीएड में या एमपीएड में। तो आपके अगर इस ईयर के अगर सर्टिफिकेट है, इस सेशन के अगर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप घबराएं नहीं, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो फ्रेंड, लास्ट में ये लिखा है कि द एक्शन ऑफ द वाइस चांसलर विल बी रिपोर्टेड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द एकेडमिक काउंसलिंग। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो आपका टेस्ट जो होने वाले टेस्ट का जो डेट है वो है एमपीएड का होगा, एमपीएड का सबसे पहले है, जो पहला दिन जो होगा आपका रिटेन होगा, जो एक घंटे का होगा वो 10 बजे से स्टार्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो दूसरा दिन है जो नहीं पहला दिन जो है वो 13 तारीख है, 13 सितंबर को आपका रिटेन टेस्ट होगा, और 14 तारीख को आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि 7 बजे आपको 7 बजे से पहले आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग टाइम है वो 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो रिटेन है 13 तारीख को वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा यहाँ पे मेंशन कर रखा है एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 13-14, मतलब 13 को रिटेन है और 14 को आपका फिजिकल फिटनेस होगा, जो कि 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं शेड्यूल स्टार्ट जो है वो 7 बजे से होगा, इसलिए आपको जो रिपोर्ट करनी होगी वहाँ पे 6:30 बजे तक आप रिपोर्ट कर देंगे अपने आपको, ये आपके लिए फायदे होगा। ओके फ्रेंड्स, उसका बीपीएड का भी है ना जो टेस्ट जो होने वाला है वो 15-16 को होने वाला है, तो 15 तारीख को जो होगा फ्रेंड्स उनका रिटेन टेस्ट है, जो कि 1 घंटे का होगा, और वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, सुबह के 10 बजे से। और इनका जो फिजिकल फिटनेस है वो 16 तारीख को होने वाला है, 16 सितंबर, जो कि 7 बजे से इनका भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दोनों की टाइमिंग सेम है, बट जो डेट है वो अलग अलग है। जो इमपीएड वाले हैं, जो मास्टर डिग्री वाले हैं, उनका जो है 13-14 को है, और जो जो बैचलर वाले हैं उनका जो है वो 15 और 16 तारीख को है। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक तरह से क्या कहते हैं याद करने के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है, और इस प्लीज़ इस वीडियो को है ना लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।